हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पर्सनल मंथली बजट कैसे बनाते हैं। एकदम आसान तरीके से बना पाएंगे, और अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं भी आती है तो भी आप बना पाएंगे, एकदम प्रोफेशनल बना पाएंगे, ठीक है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो देखिए, इसके लिए हमको जाना है लेफ्ट साइड में। यहाँ देखिए, ऊपर के रिबन में हमें फाइल टैब मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद राइट साइड में यहाँ आपको मोर टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें टाइप करना है पर्सनल मंथली बजट। एक बात ध्यान रखिएगा, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपका कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए सर्च का बटन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपके सामने टेम्पलेट आ जाएगा, एकदम प्रोफेशनल टेम्पलेट। ये देखिए, पहला वाला ही हम ले लेते हैं, पर्सनल मंथली बजट का, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ क्रिएट बटन दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए, ये पर्सनल मंथली बजट का ये टेम्पलेट आपके सामने आ चुका है। अब अपने हिसाब से आप कस्टमाइज करते जाइए, जो जो चीज़ें चेंज करनी हो, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्टेड मंथली इनकम है, एक्चुअल मंथली इनकम है, ठीक है। अब मैं जब नीचे इसको स्क्रॉल करूंगा, ये देखिए हाउसिंग है, एंटरटेनमेंट है, मतलब हर मतलब डोमेन के लिए इनके इन्होंने एक टेबल वगैरह बना रखी है, जो भी जिसमें भी आपको, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर ये देखिए लोन है, नीचे टैक्सेस है, इधर इंश्योरेंस है, मतलब आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, और जो भी चीज़ ऐड या हटानी हो आप हटा सकते हैं।